स्टडी वीजा के मुद्दे से मैं बनागा थोड़ी आवाज़ कंसल्टेंट पुछांगे सीधे सवाल ते तुहानू मिलणगे थोड़े सवालों के जवाब। सत श्री अकाल, स्वागत है जी सारिआं दा। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछिआ कि कैश तो बाद की मन्निया जावे कि वीज़ा 100% है। सो इस करके अज का शो प्लैन किया गया जी। सो शो नूं एंड तक जरूर देखो। अज के साडे गैसट ने वीज़ा ऑफिस के डायरैक्टर गगनदीप सिंह जी, स्वागत है जी। सत श्री अकाल जी। सो गगन जी, सब तो पहला मैं चाहूँगा स्टूडेंट्स नूं तुसीं जरूर डिस्क्राइब करो कि कैश लैटर एग्जैक्टली हुंदा की है। सर, कैश की फुल फॉर्म जी है दीपक जी, वो हैगी है कन्फर्मेशन फॉर ऑफ एक्सैप्टेंस फॉर स्टडीज़, जिहड़ा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट करती है। वो भी ग्रांटेशन तां हुंदी है जिहड़ा बच्चा यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू क्लीयर कर लैंदा है, यह उस तो बाद ही उन्होंने मिलती है। जिहड़ा इंटरव्यू की गल मैं की उन्होंने कहिंदे ने क्रैडिबिलिटी इंटरव्यू, जिदे च यूनिवर्सिटी चैक करती है बच्चे का लैवल कि वह जिहड़ा बच्चा उन्होंने को आ रहा है, जिन्हें एडमिशन अपना पाया है उस यूनिवर्सिटी विच, कि वह बच्चा इत्थे पढ़न जोगा हैगा भी है या नहीं, उन्होंने इंग्लिश आती है कि वह साडी लैंग्वेज समझ सकता है, कितने आके इत्थे आके कितने उन्होंने कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी कल उन्होंने पता लगे। कि कई यूनिवर्सिटी इदा भी सी जिहड़ा पास की अगर आप गल करिए जिदे विच उन्होंने इंटरव्यू नहीं लिते, और कई बच्चे इदा दे भी उत्थे पहुंचे जिन्होंने इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती सी, बोलनी नहीं आती सी, तो उन्होंने काफ़ी दिक्कत हुई यूनिवर्सिटी। वो सारी चीज़ों देखते हुए यूके गवर्नमेंट ने, जिन्होंने यूके VIAV कहते हैं, उन्होंने इस चीज़ के उत्ते देखते हुए यूनिवर्सिटीज़ नू सारिया नू गैदर करके प्रोटोकॉल जनरेट किया, जिदे च यह कंपलसरी कर दिता गया कि बच्चे दे आन तो पहला उहदा क्रेडिबिलिटी चैक होना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी करती है चीज़, जिदे करके इंटरव्यू आने शुरू हुए। फिर जदों बच्चा अगर वो इंटरव्यू क्लीयर कर रहा है, इंटरव्यू क्लीयर करन तो बाद बच्चा नैक्सट स्टैप पर पहुँच जाता है जिन्हों कहते हैं फीस। फिर जब बच्चा फीस अपनी पे कर लेंदा, फीस पे करने तो बाद 10 to 15 दिन विच यूनिवर्सिटी उन्हूं कैश लैटर इशू कर देती है, जिदे विच सारी डिटेलिंग लिखी हुई आती है यूनिवर्सिटी वालों कि आप इस बच्चे का लैवल ऑफ इंग्लिश लैवल असैसमेंट भी किया होया, जिहड़ा कि उहदा ए ग्रेड आया उहदे विच, तो उहदे बेस ते ही आप बच्चे नूं ऑथराइज़ किया अपनी यूनिवर्सिटी विच आके पढ़न वास्ते जी। तो कैश का जिहड़ा एग्जैक्ट स्टेटस की हुंदा जदों कैश लैटर आ जांदी, की मन्निया जावे कि वीज़ा पक्का आ? सर, कैश आन का मतलब है नहीं कि वीज़ा एकदम पक्का हो गया, बट हाँ 95% तुहाडा काम डन हो चुके है, एक 5% का ही टाइम रहिंदा है उहदे विच जिहड़ा अंबैसी दे वल है। हुण जदों फाइल कैश आन तो बाद अपनी फाइल जदों अंबैसी विच लॉज हो जाती है, इंश्योरेंस वगैरह पे करन तो बाद अंबैसी विच, अंबैसी ने उहदे उत्ते हुण काम करना है। अंबैसी ने पहले जिहड़ा टाइम फ्रेम भी बहुत ज़्यादा जा रहा सी रिजल्ट देन नूं, हुण सब तो वधिया गल ए भी हुई है यूके विच कि हुण टाइम फ्रेम भी कट गया और 15 to 20 दिन विच रिजल्ट्स डिक्लेयर आउट होने शुरू हो चुके हैं। सो अंबैसी उस चीज़ विच काफ़ी चीज़ा चैक करती है कि बच्चा कहड़ी यूनिवर्सिटी आ रहा, कि उहदा इंटरव्यू होया नहीं होया उस यूनिवर्सिटी दे नाल, अगर इंटरव्यू होया तो उहदा लैवल ऑफ असैसमेंट की आया निकल के इंग्लिश दा, अगर उसे अकॉर्डिंगली वो सारी चीज़ा परफॉर्मड आउट हुई है तो अंबैसी नूं भी कोई दिक्कत नहीं है कि उन्हूं वीज़ा देने, तो उहदा इंटरव्यू भी नहीं लेंदे और विदाउट इंटरव्यू वीज़ा भी दे देंदे ने। समटाइम्स की होंगे कि अगर अंबैसी लगता है कि हाँ भी कोई चीज़ उन्होंने कोई इदा की शेडी लगती है उस चीज़ में उस फाइल में, तो अंबैसी उस बच्चे नूं कॉल कर सकती है, उहदा इंटरव्यू जनरेट कर सकती है। तो उन्हूं इंटरव्यू लैन तो पहला बच्चे नूं इंटीमेशन आता है थ्रू ईमेल कि उस बच्चे का इस डेट पर इन्ने बजे अंबैसी के नाल इंटरव्यू हैगा। सो इंटरव्यू सेम ही है, जिहड़ा यूनिवर्सिटी ने उस बच्चे नूं पुछा अंबैसी ने भी उही सारे क्वेश्चन पुछने ने, इस तो अलावा कोई क्वेश्चन होर नहीं पुछना अंबैसी ने, उही 4-5 क्वेश्चन होंदे ने, पुछण दा तरीका बदल जांदा, आंसर उहनां दे सेम ही रहने। तो इस करके इंटरव्यू तो घबराने की कोई जरूरत नहीं हैगी, परेशान होने की कोई लोड़ नहीं हैगी। यूके वो कंट्री है जिदे हमेशा 100% सक्सेस रेट ही देखने को मिले। सो गगन जी, नैक्सट इनटेक एक तो हम केड़े अवेलेबल ने, तो विदाउट इंटरव्यू ऑप्शन बचिया ने? सर, जेडे नैक्सट इनटेक की अगर गल कर रहे हैं तो नैक्सट इनटेक है नवंबर और जनवरी का। विदाउट इंटरव्यू वाली जी यूनिवर्सिटी से गल करिए तो वो एक दो यूनिवर्सिटीज है जिदे बच्चा जा सकता है, चाहे वह 12th पास आउट है या ग्रैजुएट पास आउट बच्चा है जिन्हें मास्टर्स करन जानी है, बट उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगे, अगर बच्चा वो फुलफिल करता पाया दैन यस वी हैव दोज यूनिवर्सिटीज जिदे आप बच्चे का एडमिशन पा सकते और उन्होंने विदाउट इंटरव्यू कास्ट लैटर भी ले सकते हैं। सो वो यूनिवर्सिटीज़ ने जिदे देखो ऑल ओवर वर्ल्ड तो एप्लीकेशन पैदा, हर कोई एक जोड़ा होंगे ना सौखा तरीका लभदा पहुँचने का। सो
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ UK ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੰਬਰ ਔਰ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਿਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਏ August 30th ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ।